एक्साइज विभाग ने पंजाब के एक कारोबारी से बिना बिल और टैक्स का अभी तक का सर्वाधिक सोना पकड़ा है। विभाग ने 5.5 किलोग्राम सोना पकड़ा है, जिसकी बाजार में कीमत 2,14,00,000 रुपए आंकी गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक्साइज विभाग ने 13,00,000 रुपए जुर्माना वसूल कर कारोबारी को ये सोना सुपुर्द कर दिया गया है। एक्साइज विभाग ने पंजाब के एक कारोबारी से बिना बिल और टैक्स का अभी तक का सर्वाधिक सोना पकड़ा है। विभाग ने 5.5 किलोग्राम सोना पकड़ा है, जिसकी बाजार में कीमत 2,14,00,000 रुपए आंकी गई है। शुक्रवार दोपहर तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक्साइज विभाग ने 13,00,000 रुपए जुर्माना वसूल कर कार्रवाई को ये सोना सुपुर्द कर दिया है। इससे पहले वर्ष 2011 में हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन में एक्साइज विभाग ने 4 किलोग्राम सोना पकड़ा था, जिसकी तत्कालीन कीमत 1 करोड़ से अधिक आंकी गई थी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग का एक निरीक्षण दल नियमित चेकिंग के लिए सुजानपुर में जगह जगह जांच कर रहा था। निरीक्षण दल का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर राज्य कर और आबकारी चेतराम ठाकुर कर रहे थे। उनके साथ टीम में राज्य कर व आबकारी अधिकारी नितिन गुप्ता, कुलदीप ठाकुर, मनोज ठाकुर तथा चालक विधिचंद सम्मिलित थे। हिमाचल नंबर की एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया। इस कार में अमृतसर पंजाब निवासी एक व्यक्ति सवार था। तलाशी के दौरान कार के भीतर रखे बैग से 5.5 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण पाए गए। इस व्यक्ति को इस केस के संबंध में जीएसटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार समुचित बिल या अन्य अभिलेख दिखाने को कहा गया, जिसे वे दिखाने में असमर्थ रहा। निरीक्षण प्राधिकारी ने जीएसटी एक्ट के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करते हुए आभूषणों की खेप का मूल्यांकन 2,14,50,000 रुपए आंका गया। अमृतसर के इस व्यापारी से आभूषणों की बाजार कीमत के अनुसार 12,87,000 रुपए की राशि जुर्माना के रूप में वसूली गई। इस राशि को सरकारी कोष में प्राप्त किया जा चुका है। हमीरपुर जिला के राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त नविंदर सिंह ने इस कार्यवाही की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार कारोबारी को कम जुर्माना लगा है, लेकिन अगर बैट नियमों के अनुसार आंकलन किया जाता तो ये जुर्माना राशि 52,00,000 रुपए बनती थी। इससे पूर्व बीते माह एक्साइज विभाग ने भूटा में 25 किलोग्राम चांदी और बोरंज की बस्ती में 1 किलोग्राम सोना पकड़ा था। विभाग की इस कार्यवाही से सोने का अवैध धंधा करने वाले कार्रवाईयों में हड़कंप मच गया है। पिछले दिनों हमारे एक निरीक्षण दल ने सुजानपुर क्षेत्र में निरीक्षण का कार्य किया था। उस दिन हम नियमित चेकिंग के लिए यानी रूटीन चेकिंग के लिए सुजानपुर गए हुए थे। तब हमने एक हिमाचल नंबर की कार को निरीक्षण के लिए रोका और इस दौरान कार में बैठे हुए कार के प्रभारी व्यक्ति के पास एक बैग मिला, जिसमें स्वर्ण आभूषण रखे हुए थे। हमने उस व्यक्ति से स्वर्ण आभूषणों से संबद्ध जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इच्छित अभिलेख अर्थात बिल इत्यादि प्रस्तुत करने को कहा, परंतु वह व्यक्ति कोई भी अभिलेख या बिल या अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर सका। तो हमने इस प्रकरण को जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत करवंचना यानी कि टैक्स इवेजन से संबद्ध मामला माना और इस पर अपनी कार्यवाही शुरू की। सर्वप्रथम हमने स्वर्ण आभूषणों का मूल्यांकन किया और विधिवत मूल्यांकन के अनुसार पाया गया कि स्वर्ण आभूषणों का कुल मूल्य 2,14,50,000 रुपये ठहरता है। अतः हमने समुचित वैधानिक कार्यवाही करते हुए दोषी व्यक्ति को इस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही में लाया और निर्धारित नोटिस इत्यादि के पश्चात मूल्यांकन मूल्य पर कुल 12,87,000 रुपये कर व पेनल्टी अर्थात अर्थदंड के रूप में अधिरोपित किया। दोषी व्यक्ति ने अपना दोष स्वीकार करते हुए इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया है। इस प्रकार यह करवंचना का एक स्पष्ट प्रकरण बनता था। हमारा जिले के आभूषण विक्रेताओं और अन्य व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अपने क्रय विक्रय को वैधानिक रूप से संचालित करें, अन्यथा इस प्रकार के अर्थदंड व कर के लिए वे पात्र होंगे। इस तरह का अभियान निरंतर जारी रहेगा। करवंचना और सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे।